हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मूवी हाउस। आज हम जिस फिल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है डेट नाइट, जो कि रिलीज हुई थी 2010 में। ये रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया था स्वान लेवी ने। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फिल और क्लेयर एक शादीशुदा कपल है जो न्यू जर्सी में रहते हैं, जिनके दो बच्चे हैं ओली और शार्लेट, जिनकी शादीशुदा जिंदगी काफी बोरिंग और उबाऊ हो गई है। फिल एक टैक्स कंसल्टेंट है और क्लेयर रियल एस्टेट एजेंट है। शाम को उनकी पड़ोसन केटी वहाँ पर बेबी सिटिंग के लिए आती है। कपल उसे देखकर हैरान होता है। केटी याद दिलाती है कि तुम लोगों ने मुझे बेबी सिटिंग के लिए बुलाया, क्या तुम्हारा प्लान डेट नाइट पर जाने का है? और दोनों रेस्टोरेंट में डिनर के लिए जाते हैं। वहाँ फिल और क्लेयर दूसरे कपल को देखकर उनके बीच हो रही बातों को लिप रीडिंग के जरिए कुछ फन करते हैं। अब फिल और क्लेयर अपने बेस्ट फ्रेंड ब्रैड और हिली की पार्टी में जाते हैं, जहाँ उन्हें पता लगता है कि वो डिवोर्स ले रहे हैं। ब्रैड फिल को बताता है, काफी लंबे टाइम के बाद हमें रियलाइज हुआ कि हमें शायद अलग हो जाना चाहिए। हम अच्छे कपल की तरह नहीं रह रहे थे, बल्कि अच्छे रूममेट की तरह रह रहे थे। वहीं हिली क्लेयर को बताती है कि वो इस रिश्ते में काफी बोर हो गई थी, वो आजाद होना चाहती है, जैसे ड्रिंक करने के बाद अपना टॉप रिमूव करके डांस करना चाहती है और जहाँ मन करे वहाँ जाना चाहती है। फिल और क्लेयर उन दोनों की टूटती हुई शादी को देखकर अपनी शादी को बचाने के लिए प्लानिंग में जुट जाते हैं और एक शाम वो फिर से डेट नाइट पर जाने का फैसला करते हैं और शहर के सबसे बिजी रेस्टोरेंट क्लॉ मैनहट्टन में जाते हैं बिना बुकिंग के। रास्ते में फिल ओवर स्मार्ट बनते हुए रास्ते का नेविगेशन ना देखकर बल्कि अपना ही दिमाग लगाकर चलता है, जिसका अंजाम ये होता है कि वो भारी ट्रैफिक में फंस जाते हैं। जैसे तैसे वे रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ते हैं, रास्ते में उन्हें एक और कपल मिलता है और उनसे हेल्प मांगता है और वो बताते हैं कि उनकी कार को टो कर लिया गया है और वो दूसरी कंट्री से हैं, जबकि उनके सारे डॉक्यूमेंट्स उसी कार में थे। लेकिन फिल और क्लेयर उनको बोलते हैं ये ठगी किसी और को दिखाना और इन केस अगर तुम सच बोल रहे हो तो फिल उन्हें कुछ डॉलर्स दे देता है और वो रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। रेस्टोरेंट में जाकर पता लगता है कि यहाँ तो बुकिंग करानी पड़ती है, वो भी महीना पहले। अब बेचारे रिसेप्शनिस्ट से रिक्वेस्ट करते हैं कि हम काफी दूर से आए हैं, प्लीज हमें टेबल दे दीजिए। रिसेप्शनिस्ट मान जाता है और उन्हें वेट करने को कहता है। अब फिल और क्लेयर अपनी बारी का वेट करते हैं, तभी वेट्रेस किसी और कपल ट्रिपल हॉर्न्स का नाम लेकर बुलाती है कि उनके लिए टेबल खाली हो गया है। लेकिन फिल अपनी शाम को रंगीन बनाने के चक्कर में झूठ का सहारा लेता है और दूसरे कपल के टेबल पर क्लेयर को लेकर बैठ जाता है, जहां क्लेयर घबराती है और बोलती है ये हम गलत कर रहे हैं। लेकिन फिल ओवर कॉन्फिडेंस में बोलता है डार्लिंग ठीक है, मैं आज शाम को एंजॉय करना चाहता हूँ, और खाली गिलास उठाकर चेयर्स बोलता है। क्लेयर फिल को फिर से याद दिलाती है कि खाली गिलास से चेयर्स करना शायद अपशगुन होता है। लेकिन फिल अपनी डेट को बेहतरीन डेट बनाने के चक्कर में कि तुम आज रात इन अंधविश्वासों को भूल जाओ और चेयर्स करने पर जोर देता है और वो चेयर्स करते हैं। वाइन सर्व होती है, वाइन पीते हुए फिल और क्लेयर अपना वही स्टाइल यूज करते हैं, दूसरे कपल को देखकर उनकी लिप रीडिंग करने की कोशिश करते हैं और मजे लेते हैं। वो अपने डिनर का मजा ले ही रहे होते हैं कि तभी उनके पास दो आदमी कॉलिन और आर्मस्ट्रॉन्ग आकर खड़े हो जाते हैं और बड़े ही प्यार से पूछते हैं क्या आप ट्रिपल हॉर्न्स हैं? और फिल कहीं टेबल ना चला जाए इसलिए झूठ बोलता है, हाँ हम ही हैं। और वे उन्हें बड़े प्यार से कहते हैं देखिए कुछ प्राइवेट मामला है तो आपको हमारा सहयोग करना पड़ेगा। दोनों ईमानदारी से उठते हैं और उनके साथ चल पड़ते हैं। वो रेस्टोरेंट के बाहर जाते हैं। अब कॉलिन और आर्मस्ट्रॉन्ग उनसे पूछताछ करते हैं तो क्लेयर उन्हें सारा किस्सा समझाती है कि कैसे उन्हें टेबल नहीं मिली तो उन्होंने किसी और का नाम यूज करके वो टेबल ली। उनमें से एक को यकीन आ जाता है और वो कहता है चलो मान लेता हूँ कि आप फिल फॉस्टर हैं और आप क्लेयर फोस्टर हैं, तो प्लीज हमें वो फ्लैश ड्राइव दे दीजिए। लेकिन फिल और क्लेयर जब जोर देकर कहते हैं कि हमारे पास कोई फ्लैश ड्राइव नहीं है तो कॉलिन अपनी गन निकालता है और उन्हें धमकाते हुए बोलता है या तो फ्लैश ड्राइव दे दो वरना दोनों का भेजा बाहर कर दूंगा। फिल घबरा जाता है और डरते हुए बोलता है कि वो हमने पार्क में छुपा रखी है और वो पूछते हैं कौन से पार्क में, तो वो बोलते हैं सेंट्रल पार्क में। अब वो उन्हें कार में बैठाते हैं
और सेंट्रल पार्क में लेकर जाते हैं। अब जैसे ही वो सेंट्रल पार्क पहुंचते हैं तो वो उन्हें बोट हाउस में ले जाते हैं और वहां ढूंढने का नाटक करते हैं। और जैसे ही कॉलिन और आर्मस्ट्रांग मुड़ते हैं, फिल उनके पीछे से हमला करके वहां से बोट लेकर भागने में कामयाब हो जाता है। दोनों सीधे पुलिस स्टेशन जाते हैं और सारा किस्सा समझा ही रहे होते हैं डिटेक्टिव रयो को। उनकी नजर कॉलिन और आर्मस्ट्रांग पर पड़ती है। वो समझ जाते हैं कि ये दोनों भी डिटेक्टिव हैं और डिटेक्टिव अरियो को चकमा देकर निकल जाते हैं और उन्हें लगता है कि ये सब भी मिलेटो के लिए काम कर रहे हैं। तो वो ट्रिपल हॉर्न को खुद ही ढूंढने का फैसला करते हैं और वापस रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहां वो रिसेप्शनिस्ट को चकमा देकर उनका फोन नंबर निकाल लेते हैं। अब उन्हें ख्याल आता है अपने बच्चों के बारे में। क्लेयर फिल को बताती है कि उनके पास हमारी सारी डिटेल है, वो हमारे बच्चों तक बहुत जल्द से पहुंच जाएंगे। वो अपने घर फोन करके बताते हैं कि वो आज रात आने में लेट हो जाएंगे, लेकिन केटी इस बात का फायदा उठाना चाहती है और उनसे बेबी सिटिंग करने का 4 गुना ज्यादा पैसा मांगती है। फिल राजी हो जाता है और कहता है कि बच्चों को तुम अपने घर ले जाओ ताकि वो तुम्हारे घर पर सुरक्षित रहें, और वो मान जाती है। अचानक क्लेयर को अपने पुराने क्लाइंट ग्रैंट का ख्याल आता है, जो कि एक सिक्योरिटी एक्सपर्ट होता है। वो उसके घर जाते हैं और उससे रिक्वेस्ट करते हैं हेल्प करने की। ग्रैंट हैंडसम और अच्छी बॉडी का मालिक होता है। वो उनका स्वागत अपने अपार्टमेंट में बिना शर्ट के करता है, जो कि वो ज्यादातर बिना शर्ट के ही रहता है, और उसकी बॉडी देखकर क्लेयर के होश उड़ जाते हैं। दोनों आपस में फ्लर्ट करने की कोशिश करते हैं। उन्हें देखकर फिल के धुएं उड़ रहे होते हैं और वो बार बार ग्रांट को शर्ट पहनने के लिए कहता है, जो ग्रांट नहीं करता। ग्रांट हैंडसम होने के साथ साथ जेम्स बॉन्ड से भी कम नहीं होता। उसके पास वो सब टेक्निक्स होती हैं जिससे वो उस फोन नंबर का एड्रेस निकाल लेता है। वहीं पुलिस स्टेशन में डिटेक्टिव अरियो के पास सीसीटीवी की फुटेज से पता लगता है कि फॉस्टर्स ग्रांट के यहाँ गए हैं, जो कॉलिन और आर्मस्ट्रांग को भी पता लग जाता है। वो सीधे ग्रांट के घर पहुंच जाते हैं। उन्हें देखकर फिल और क्लेयर ग्रांट की कार लेकर भाग जाते हैं। अब वो ट्रिपल हॉर्न के घर पहुंच जाते हैं और जब उन्हें सामने के गेट से कोई जवाब नहीं मिलता तो वो पीछे के रास्ते से घर में एंटर करने का फैसला करते हैं। और जैसे ही वो घर में एंटर करते हैं तो उन्हें मिलते हैं मिस्टर एंड मिसेस फेल्टन, जो उनको पकड़कर पीटना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे ही फिल उन्हें गन दिखाता है जो उसने ग्रांट के घर से चुराई थी, तो वो शांत होते हैं। अब फिल उन्हें प्यार से समझाता है कि जो वो फ्लैश ड्राइव ढूंढ रहे हैं तुम उन्हें वो दे दो और उन्हें समझा दो कि असली ट्रिपल हॉर्न तुम हो, ताकि वो हमारा पीछा छोड़ दें। जिसको सुनकर फेल्टन डर जाते हैं और उनकी बातों से पता लगता है उनका असली नाम टेस्ट और विपिट है, और वो उन्हें फ्लैश ड्राइव देते हैं और वहां से भाग जाते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वो लोग अभी भी इनका पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच जाएंगे और उन्हें पकड़ लेंगे। अब जैसे ही फॉस्टर्स फ्लैश ड्राइव लेकर बाहर निकलते हैं, पीछे से कॉलिन और आर्मस्ट्रांग भी वहाँ पहुँच जाते हैं, जिससे फिल तेजी से कार निकालता है और बचने के चक्कर में घबराते हुए टैक्सी को टक्कर मार देता है, जिसका रिजल्ट ये होता है दोनों कारों के बम्पर एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और सड़कों पर दोनों कारें एक साथ चिपक कर चलती हैं। वे बहुत कोशिश करते हैं कि कार्स एक दूसरे से अलग हो जाए, लेकिन वो नाकाम रहते हैं। वहीं पीछे से कॉलिन और आर्मस्ट्रांग उन पर गोलियां बरसाते हुए आते हैं और वो अपनी कार के साथ टैक्सी को चिपकाए हुए सड़कों पर निकल जाते हैं। फिल कारों को हटाने के लिए टैक्सी में एंटर करता है, लेकिन इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। तो फिल जानना चाहता है आखिरकार इस पेन ड्राइव में ऐसा क्या है जो इसके लिए इतनी मारा मारी हो रही है। वो ड्राइवर से पूछता है, तुम्हारे पास कोई टैब है? ड्राइवर उसे अपना टैब देता है और फिल पेन ड्राइव उसमें लगाकर देखता है तो उसे पता लगता है कि उसके अंदर वहां के अटॉर्नी फ्रैंक क्रेनशॉ की तस्वीरें हैं, जो लड़कियों के साथ मस्ती कर रहा है कि तभी एक एसयूवी उनकी कार्स को टक्कर मारती है, जिससे दोनों कार्स अलग हो जाती हैं और फिल कार के साथ सीधे झील में जाकर गिरता है, जबकि कैब ड्राइवर पहले कूद चुका था। जैसे तैसे फिल उस झील से बाहर निकलता है और डूबती हुई कैब को देखकर बोलता है, पेन ड्राइव भी गई और ट्रिपल हॉर्न भी भाग गए, लेकिन हम फंस गए। मेट्रो में जाते वक्त फिल को पूरी कहानी समझ आती है कि मिलेटो के काफी क्लब्स हैं जिनको क्रेनशो जल्द ही बंद करवा देता। उसके लिए जो मिलेटो क्रेनशो को रिश्वत के तौर पर अपने क्लब में लड़कियों के साथ मजे करने का ऑफर देता है और उन लड़कियों के साथ पिक्स और वीडियो बना लेता है, ताकि वो टाइम आने पर क्रेनशो को अपनी मुट्ठी में कर सके। लेकिन वो पेन ड्राइव विपिट के हाथों लग गई थी, जो वही काम करती थी। तो विपिट और टेस्ट यानी ट्रिपल हॉर्न्स क्रेनशो को ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। सारी कहानी समझ
समझने के बाद वो फिर ग्रांट के घर जाते हैं और उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उनकी हेल्प करे। वहां से वो प्लान बनाकर मिलेटो के क्लब में जाते हैं जिसमें क्लेयर एक वैश्या बनती है और फिर उसका दलाल। क्रेंशो उनको पोल डांस करने के लिए कहता है और दोनों ही बड़ा फनी पोल डांस करते हैं। अब जैसे ही वो अपने पोल डांस खत्म करते हैं वो बोलते हैं कि हम ट्रिपल हॉर्न्स हैं और फ्लैश ड्राइव हमारे पास है, कि तभी कॉलिन और आर्मस्ट्रांग उन्हें पकड़ लेते हैं जो क्रेंशो के लिए काम करते हैं और क्रेंशो उन्हें रूफटॉप पर ले जाता है और तभी वहां पर मिलेटो भी पहुंच जाता है। फिर मिलेटो की सच्चाई क्रेंशो के सामने रख देता है कि वो किस तरह से उसे ब्लैकमेलिंग करने का पूरा बंदोबस्त कर चुका है और तभी सब एक दूसरे पर गन तान देते हैं और एक दूसरे की पोल पट्टी खोलने लगते हैं जिससे क्लेयर तनाव में आ जाती है और घबराने लगती है। लेकिन फिल बड़े ही कूल तरीके से बोलता है, तुम घबराओ मत, बस तीन तक गिनो। लेकिन क्लेयर फिल को समझाती है, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, जो मैं तीन तक गिनूं और यहाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन फिल बड़े प्यार से कहता है, तुम मुझ पर विश्वास करती हो ना, तो गिनो। और वो तीन तक गिनती है। जैसे ही उसकी गिनती खत्म होती है तभी पुलिस फोर्स और डिटेक्टिव अरोयो वहां पर रेड मारते हैं और सबको गिरफ्तार कर लेते हैं क्योंकि फिल ने अंदर से वायरिंग की हुई थी और क्रेंशो और मिलेटो के बीच हुई सारी बातें रिकॉर्ड हो गई थी जिससे उनके खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा हो जाते हैं। फिल और क्लेयर दोनों हीरो बन जाते हैं। अरयो उन्हें वार्निंग देती है कि आगे से कभी भी किसी का बुक किया हुआ टेबल मत लेना और वो मुस्कुराते हैं। अगली सुबह फिल क्लेयर को बताता है, हम फिर डेट नाइट पर जाएंगे लेकिन इस बार हम अकेले नहीं बच्चों को भी लेकर जाएंगे, और दोनों मुस्कुराते हैं और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।